बाइक का प्राइस कितना पड़ जाता है, तो वो 1 लाख के आसपास एसेसरीज इसमें लगा है। तो अगर कंपनी से लगवाते हैं तो आपको ये कॉस्ट करता है 70,000। तो मैंडेटरी है भाई, इसको तो जरूर लगाना। गाड़ी इसका 1.5 लाख रुपया का आता है, तो ये 1.5 लाख रुपया बच जाता है। 1,05,000 रुपया का ये एग्जॉस्ट फुल सिस्टम आपका हो जाता है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल एटू बाइको। तो बहुत सारा कमेंट आ रहा था भाई कि बाइक के मॉडिफिकेशन के बारे में, कि कौन सा मॉडिफिकेशन लगाएं और बाइक का प्राइस कितना पड़ जाता है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बाइक मेरे को फुल कॉस्ट में पड़ा था 19,50,000, बट मैं इसको EMI में लिया हूँ तो लगभग 23 लाख पड़ गया है। उसके बाद मेरे को लगभग 2 से 2.5 लाख के आसपास एसेसरीज इसमें लगा है। तो जो जो एसेसरीज मैं लिया हूँ, कहाँ से लिया हूँ, कैसे लिया हूँ, वो सब चीज़ बताऊँगा मैं। तो थोड़ा सा बाहर का नॉइज़ आपको सुनने को मिल रहा होगा, उसको इग्नोर करना, वैसे मेरा आवाज़ जा रहा होगा। तो सबसे पहले मॉडिफिकेशन के बारे में बात बताएं, तो ये PPF मैं स्मोक करवाया हूँ, क्योंकि इसका जो वाइजर आता है वो अलग से अगर लेते हैं तो वो हाई स्पीड के लिए बढ़िया है, बट उतना हाई स्पीड मेरे को करना नहीं है। तो 12,500-15,000 रुपये का वो आता है, तो वो अभी नहीं लगाऊँ उसको। उसके लुक के लिए मैं इसको ब्लैक कलर का PPF करवा दिया हूँ। तो इसको करवाने में मेरे को 1,000 रुपया लगा था। इसमें सीट काउल आता है, तो अभी तो मैं सीट लगाया हूँ, उसके बारे में भी आगे मैं बताऊँगा। तो सीट काउल पे भी ब्लैक कलर का PPF हुआ है, वो भी लगता है कि सीट मतलब है। बहुत लोग मेरे को कमेंट भी कहा कि सीट है। और ये सीट देख के तो काफ़ी अच्छा लगा। हाँ। क्या है, कैसे लगा है काउल हटा के? काउल हटाने का बस आपको इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको जाना है यहाँ से, ये निकल गया, यहाँ पे आप काउल लगा दीजिए, यहाँ सीट लगा दीजिए। वाह। और ये तो जब हम लोग शोरूम से लेते हैं तो ये ये नहीं मिलता है। इसके बारे में भी आएंगे, सबसे पहले बताएं आपको PPF के बारे में बताएं, उसके बाद यहाँ पे दिखाएं। लिक्विड कूल्ड है, एक ऑयल कूल्ड है, तो दो रेडिएटर गार्ड है कि अगर कंकर वगैरह छोटा जोड़ आता है वो उसको डैमेज कर देता है, तो ये बहुत कॉस्टली आता है, तो उसको बचाने के लिए 2 गार्ड लगा हुआ है। तो ऊपर वाला गार्ड 9,000 का, दूसरा पड़ा है 6,000 का। उसके बाद ये है फोग प्रोटेक्टर, अगर गाड़ी आपका बाई चांस गिरता है कुछ वगैरह होता है तो ये बचाने के लिए काम रहेगा। तो ये पड़ा मेरे को 5,000 का। उसके बाद ये मैं लगाया हूँ ऑयल सील कवर, इससे क्या होता है ना कि यहाँ पे डस्ट वगैरह जाता है तो ऑयल सील कट जाता है, और ये सब गाड़ी का जो पार्ट्स है बहुत महंगा होता है, तो ये मेरे को पड़ा था लगभग 1,000 रुपया का। उसके बाद है फ्रेम स्लाइडर, ये तो सबसे मैंडेटरी है भाई, इसको तो ज़रूर लगाना। गाड़ी अगर डैमेज गिरता है तो डैमेज होता है, सबसे पहले फेयरिंग, और फेयरिंग इसका 1.5 लाख रुपया का आता है, तो ये बहुत मतलब यूजफुल है। 10,000 रुपये का ये पड़ता है। फिर आपका आता है मीटर कवर, ये देखो यहाँ पे मीटर कवर एक अलग से एक टेम्पर जैसे ग्लास होता है वो लगाएं, वो लगभग अमेजोन से मैं मंगवाया था 500 रुपये के आसपास। फिर है इंजन गार्ड, ये अगर आपका बाई चांस गाड़ी कभी क्रैश होता है तो ये सबसे यूजफुल है, क्योंकि ये आपको इंजन को बचाएगा, और इंजन समझ रहे हो शॉर्ट होता है, तो अगर वो बच गया तो भाई गाड़ी में तो बाकी मॉडिफिकेशन में तो बच ही जाएगा पैसा। उसके बाद आपका आता है फुटरेस्ट, सबूतर और फुटरेस्ट, और ये सीट, ये तीन चीज़ लगवाए हैं बाहर से। अगर कंपनी से लगवाते हैं तो आपको ये कॉस्ट करता है 70,000 रुपये, लेकिन ये मैं बाहर से दिल्ली से मंगवाया तो ये मेरे को पड़ा है 10,000 या 15,000 रुपये के आसपास। फिर वो उसके बाद है एग्जॉस्ट, इसमें फुल सिस्टम लगाया हुआ है, क्योंकि पहले से इसे इसमें हेडर्स दिया हुआ था, तो हेडर्स देने से हम लोग का लगभग 1.5 लाख रुपया बच जाता है। एक यहाँ पे लिंक पाइप आता है, ये आपको लगाना पड़ेगा कैटलिक कन्वर्टर हटा के, तो ये लगभग आपका पड़ेगा 40-45,000 के आसपास। ये आपको सिलिकॉन पड़ेगा 60,000 के आसपास, तो लगभग टोटल 1,05,000 रुपये का ये एग्जॉस्ट फुल सिस्टम आपका हो जाता है। इसके बाद आ जाते हैं टेल टाइडी पे, पीछे से लुक लगाना अच्छा देखने के लिए और थोड़ा सा गाड़ी बल्की दिखे, तो ये टेल टाइडी लगाया हो, इससे वेट भी रिडक्शन होता है और कंपनी का इंडिकेटर भी लग जाता है। इसमें आप मोटर फ्यूजन का मंगाइए, ये मतलब लगभग सब गाड़ी के लिए बना देता है। ये पड़ा था मेरे को 5,000 का। उसके बाद है आपका स्पूल्स, जब अगर आप इसमें डबल स्टैंड नहीं देता है तो उसके लिए आपको अलग से ये स्पूल्स लगाना पड़ता है, जिससे गाड़ी डबल स्टैंड में हो जाए और आप ल्यूब कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, गाड़ी धो सकते हैं। तो वो पड़ा था 4,500 रुपये का 2 पीस। फिर उसके बाद है इसमें एक अलग से सर्वो मोटर का ये लगा हुआ है डिवाइस, जिसे एग्जॉस्ट अगर आप लगाते हैं तो वो आपका मीटर पे मिरर नहीं दिखाता, इसके लिए वो लगाया हुआ, तो वो 7,500 का पड़ा था। फिर ये है हाई ग्रिप, ये आपको मतलब अगर हाई स्पीड करते हैं या मतलब कभी भी अनझटके से अगर हाई स्पीड कर देते हैं,
हाई स्पीड पे आपको ये ग्रिप देता है कि आप पीछे ज़्यादा ना जाए। उसके बाद इसमें लगा हुआ है डीएनए का एयर फिल्टर, जिससे गाड़ी का अंदर का जो प्रेशर होता है ठीक से फ्लो कर जाए, और थोड़ा सा ये रियूजेबल भी रहता है तो आपका पैसा फ्यूचर में बच सकता है। उसके बाद कूलेंट मैंने इसका चेंज करवाया, क्योंकि जब ये सब 1000 cc की गाड़ी है तो बहुत ज़्यादा हीट करती है, तो कूलेंट मैंने आइस कूलेंट डलवाया है अमेजोन से। लगभग वो आपको पड़ेगा, 2 डब्बा मंगवाना पड़ेगा, 2250 रुपये के आसपास वो पड़ेगा आपका प्राइस। तो इसमें देख सकते हो कि 92 डिग्री सेल्सियस है, तो ये कम ही होते जा रहा है, क्योंकि ये कंपनी वाला जो कूलेंट है वो नहीं लगा हुआ है, इसमें अलग से कूलेंट लगाया हुआ है। तो इसमें डालने के बाद आपका जाम में भी अगर गाड़ी आप चलाते हो तो गाड़ी उतना हीट नहीं करता है। बाइक भी बढ़िया है, सुपर बाइक है, तो नंबर भी अच्छा होना चाहिए। तो ये देख सकते हो 0909, जिसको मुझे लेने में लगा है 15,000 रुपया। मतलब जो भी लवर होगा वो उसी के लिए है, क्योंकि वो वही लोग करवा सकता है। क्योंकि आप गाड़ी अगर ले रहे हैं तो देख सकते हो भाई कितना साइन कर रहा है, इससे आपको पता चल रहा होगा कि गाड़ी में मतलब कुछ कोटिंग किया हुआ है। तो ये ग्लास कोटिंग का कमाल है, तो इसको करवाने में लगभग 14,000 रुपये के आसपास लगा था। और एक भैया है सन्नी भैया, उनका है प्रो डिटेलर करके इंस्टाग्राम में, अगर आपको किसी को करवाना है तो वो करवा सकते हो। तो ये साइन देख लो भाई कितना, मतलब कि ये 5 साल का है, इसमें गारंटी दिया हुआ है कि 5 साल में अगर कभी भी लगे तो आप उसको उसके पास ले जाइए, वो आपको फिर से वो साइन प्रोवाइड कर देंगे। तो एक लास्ट मॉडिफिकेशन जो मैं ये दिखा रहा हूँ, ये भी लगवा लेना, क्योंकि गाड़ी का वेट बहुत ज़्यादा है तो ये आपको ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करेगा। तो गाड़ी अगर मट्टी उट्टी में भी लगाते हैं तो गाड़ी गिरने का चांस कम रहता है। और एक और चीज़ ये भी है, एक छोटा सा ये भी मॉडिफिकेशन है, 50 रुपये का अगर आप चलाते हैं तो ये क्या करता है ना, कि आपको जूते को आगे का पोर्शन को फाड़ देता है, तो उसके लिए भी ये सब ज़रूरी है। 2-3 चीज़ और है लगवाने का सोच रहा हूँ, बट वो उतना भी मेरे को यूजफुल नहीं लगा। पहला तो आपको मैं ये बता दिया था कि आपका वाइजर, दूसरा यहाँ पे आपका ये होता है लीवर प्रोटेक्टर दोनों साइड, तो अभी वो मैंने लगाया। एक और चीज़ है विंगलेट, तो वो गाड़ी का लुक इन्हांस करेगा, और डाउनफोर्स अगर गाड़ी आपको बाई चांस अगर बहुत ज़्यादा रेत दे देते हैं तो गाड़ी उठने लगता है, तो उसको बचाने के लिए कि ज़्यादा गाड़ी ना उठे, उसके लिए वो चीज़। तो ये था पूरा मेरे गाड़ी का मॉडिफिकेशन। तो जो भी है बाकी मैं कहाँ कहाँ से सामान भी कुछ कुछ नहीं बताया तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये सब चीज़ तो हो गया, अब ये गाड़ी लेते हैं तो आपको कुछ और चीज़ लेना पड़ेगा, मैंडेटरी है, क्योंकि ये सब नॉर्मल बाइक नहीं है, ये सब सुपर बाइक है। तो उसके लिए अगर मान के चलते हैं कि मेरे पास भी निंजा 300 मैं ऑन कर रहा था, तो वो पैडॉक स्टैंड उसका मतलब छोटा था, इसके लिए आपको अलग से पैडॉक स्टैंड लगाना लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सब गाड़ी के लिए अलग से पैडॉक स्टैंड आता है, क्योंकि इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है, वो चीज़ हो गया। प्लस नॉर्मल गाड़ी का आपका साइज छोटा रहता है, तो उसके लिए आपको पूरा बड़ा कवर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये गाड़ी बड़ा है तो उसके लिए कवर भी लेना पड़ेगा, वो चीज़ भी आप ले लेना। उसके बाद छोटा मोटा स्टिकरिंग जो करवाए थे वो सब चीज़ है। तो ये पूरा मॉडिफिकेशन है मेरे गाड़ी का, लगभग इसको पूरा मॉडिफाइड करने में लगभग 2.5 लाख के आसपास खर्चा हो चुका है। और तो और लेबर कॉस्ट भी आपको लगना ही लगना है, क्योंकि ये सब कंपनी में ही फिट करवाइएगा, वो लोग वहाँ चार्ज करते हैं, लेकिन बाहर वाले आदमी को आइडिया नहीं होता है, तो थोड़ा सा पैसा बाहर वाला कम लेता है, लेकिन उसके चक्कर में मत पड़िए, कंपनी से ही लिए। और ये पूरा मॉडिफिकेशन में 10,000 रुपये के आसपास खर्च होने वाला है। तो टोटल ये मॉडिफिकेशन अभी तक कितना हो गया है इसमें? लगभग 2,25,000 के आसपास पूरा मॉडिफिकेशन। 2,25,000 10,000 रुपये मान के चलिए तो 2.5 लाख ही हो गया। तो गाड़ी अगर आप लेते हैं तो टोटल खर्च ये मत सोचिए कि शोरूम मतलब कि आपको नेट पे बताएगा कि 16 लाख है 17 लाख है, उसके बाद RTO इंश्योरेंस वगैरह वो सब भी जुड़ता है, उसके जोड़ जोड़ के EMI भी है, क्योंकि एक बार में फुल कैश आप लेंगे नहीं, तो उसको जोड़ जाड़ के लगभग ये गाड़ी 25 लाख 25.5 लाख पर पड़ जाती है। तो 25.5 लाख की गाड़ी है। हाँ वाह। तो भाई गाड़ी तो तुम्हारा एकदम हेवी है, और इसका इंजन भी बहुत हेवी दिख रहा है, टायर भी बहुत हेवी दिख रहा है, स्पीड भी बहुत जाती होगी। स्पीड तो बहुत है। कितनी जाती है? 160 चली जाती है बस एक गियर में। ओ माय गॉड, एक गियर में 160। हमको ये बताइएगा इसका स्पीड कितना जाती है? ये स्पीड जाती है आपकी 300। ये 1000 cc है और 4 सिलेंडर गाड़ी है, ये मान के चलिए कि आपको कार का इंजन इसमें फिट किया हुआ है, वैसा ही रेडिएटर दिया हुआ है, वैसा ही आपका पावर दिया हुआ है, मतलब सब कुछ कार वाला सिस्टम है इसका। इस वीडियो को रखते हैं इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय, राइड सेफ।